चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि डीएलएड का एग्ज़ाम अभी तक हो गया है तो काउंसलिंग कैसे होगा, ठीक है, प्लस में किन किन लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेंगे और किन लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, डीएलएड क्या होता है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखने का आज के वीडियो में काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि डीएलएड होता क्या है भैया, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करना। तो ये तो फुल फॉर्म हुआ, इसका परिभाषा यहाँ लिखा हुआ कि यह 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है जो आपको 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और योग्यता प्रदान करता है। आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर किए होंगे DCA, आप ADCA कंप्यूटर में किए होंगे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो उसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये भी एक प्रकार का डिप्लोमा है, कोर्स है। चलिए तो देखिए क्या है यहाँ पर, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के जरिए वर्ष 2024 में बिहार के 306 डीएलएड कॉलेज, बिहार में अपना डीएलएड कॉलेज सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर 306 डीएलएड कॉलेज की 30,750 प्लस सीटों पर नामांकन होगा। इस बार इतना स्टूडेंट का एडमिशन होगा, सोच लीजिए। इसलिए हाल ही अगर इसके बीच में रैंक आयल है तो खुश होने की ज़रूरी है, आज ज़्यादा भी खुश नहीं होइए क्योंकि प्राइवेट सरकारी वाला मैटर करेगा, तो दुखी भी नहीं होना है, दोनों का वैल्यू बराबर है, पैसा थोड़ा सा कम बेसी लग जाता है पढ़ने में लेकिन वैल्यू बराबर है, इसलिए निराश भी नहीं होना है। देखिए, इतना सीटों पर नामांकन होगा, सभी डीएलएड संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान वाले यानी जो साइंस से है 50% वाले विद्यार्थी उसको चुनेगा, तथा 50% में कला और वाणिज्य जो क्षेत्र वाले होते हैं, ये साइंस हुआ, इधर आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को मिलाकर 50% अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, अकेले विज्ञान वाला साइंस वाला 50%, अब बचा हुआ 50% सीट ये दोनों में बटेगा भैया। अब देखिए, जहाँ 66 प्लस सरकारी तथा 241 प्लस निजी प्राइवेट कॉलेज है, निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज, तो सुन लीजिए, प्लस हम लगा रहे थे, एक आध को ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अभी वर्तमान में क्या है तो 66 है, कोई सरकार और इस पर ध्यान दे देगा तो बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी 66 को सरकारी और 241 निजी विद्यालय है, कॉलेज होंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट है कि डीएलएड परीक्षार्थियों की संख्या, इस बार जो आप लोग बैठे थे एग्जाम देने, देखिए 21,10,000 यानी 5,68,972 में से सफल हुआ 4,29,159 को, ठीक है, अर्थात कितना पास हो गया, 75.43% पास हुए, यानी 75% के करीब लड़का पास हुआ है और उसके बाद फेल हो गया है, तो कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, अब पास हो ला भाई ना कॉलेज बटेगा 2 साल पढ़ने के लिए, तो देखिए क्या हुआ। अब रिजल्ट जब आ गया, आप लोग को स्कोर कार्ड भी प्राप्त हो गया होगा, उसमें आपको 2 प्रकार के रैंक दिखाया होगा, एक ऑल ओवर बिहार भर में रैंक है और एक कैटेगरी रैंक है, OBC में कितना रैंक प्राप्त किए, SC में कितना किए, अलग अलग सबका अपना अपना कैटेगरी है ना। चलिए तब बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में, प्राप्त अंकों के अनुसार आप जो प्राप्त किए हो स्कोर कार्ड में उस अंकों के अनुसार आपको जाके काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग का डेट जो आपको आज से कल परसों के बीच में निकलेगा और 10 दिन तक 5 दिन के अंदर में समय देगा कि काउंसलिंग करा लेना है, जिसमें कम से कम 6 गो कॉलेज आपको चुनना रहेगा, उससे ऊपर भी चुनना है तो 30 गो तक कॉलेज चुन लीजिए, और उसमें भी किसमें देगा तो ये आपके अंक पे डिपेंड करेगा कि सब लड़का अलग अलग प्रकार से कितना अंक ले लें, तो टोटल के अनुसार से ना कॉलेज बांटेगा। तो देखिए, तो अब रिजल्ट के बाद प्राप्त अंकों के अनुसार बोर्ड जो है काउंसलिंग करेगा, उसके होने के बाद एक मेगा सूची तैयार करेगा, आप लोग काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जो पूछेगा डॉक्यूमेंट वो दे दीजिएगा, प्लस में देख लीजिए जनरल वाले जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो 500 रुपया लेकर जाइए और 50 रुपया ऊपर से और लेकर जाइएगा, फॉर्म भरने वाला है तो पैसा नहीं लेगा, हो सकता है तो 550 रुपया आपको लग जाए लेकिन ये सरकार 500 रुपया लेगी, आ SC ST ये सब जो है इस सब के 350,
तो जनरल ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जितने छात्र छात्राए हैं सब 500 लेकर जाएंगे, इधर जितना छात्र छात्राए छात्र जो भी है स्टूडेंट है वो सब के सब 350 रुपया लेकर जाएंगे। और कॉलेज का एगो चुनिएगा काउंसलिंग के समय 6 से लेके 30 गो, कम से कम 6 गो भी ज़्यादा नंबर आए तो चुन सकते हैं लेकिन ज़्यादा तेज नहीं बनना है, 30 गो ऑप्शन दे ले 30 चुनो और निकटतम चुनो अपन जिला पड़ोसिया जिला सब वाला कॉलेज चुन लो, हाँ ताकि क्लास करे में ज़्यादा दूर हो जाएगा तो क्लासों करे में दिक्कत, आ कम नंबर आए तो सबके चुन लो कहीं भी हो जाए अच्छा बात ना। तो देखो अब अगला है रिक्वायर्ड पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए। तो देखिए ये 75% में जो पास किया है बउआ उसमें क्या है जो अर्बन चाहे जनरल जो भी है बेचारा सब 35% जो है मार्क्स लाया होगा तभी वो पास किया, उससे ऊपर लाया होगा तो और बढ़िया बात है। और अन्य जो बच गया ओबीसी एसटी दुनिया जहान जो भी उसको कम से कम लड़का हो चाहे लड़की हो 30% नंबर टोटल का 30%, इस प्रकार से 120 का 30% निकालिएगा तो कम से कम 36-37 नंबर हो गया कि नहीं, समझ रहे हैं ना, तो उससे ऊपर नंबर लाया है सब। तो देखिए कम से कम 30% ला के पास किया होगा और 75% में शामिल हो गया वो लोग। चलिए तो कट ऑफ कितना रहेगा सरकारी विद्यालय के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए, तो देख लीजिए पास तो कर गया है ये सब भी अप्लाई कर सकता है, सब काउंसलिंग में भाग ले सकता है जो जो पास किया है, स्कोर कार्ड जिसको दिखा रहा है रैंक दिखा रहा है सब कर सकता है। लेकिन देखिए आपको जो कम से कम पास मार्क से लेकर अगर आप 65+ है और वहाँ से लेके 80 के करीब है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, कौन जनरल को ईबीसी वाले इधर लिखते हैं पास मार्क्स से लेकर 65 से लेकर 80 के बीच में है तो आपको जो है प्राइवेटे कॉलेज में मिलेगा निश्चित है, और इससे 80% से ऊपर जा रहे हैं तो सरकारी गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूल आपको विद्यालय मिल जाएगा जनरल का। और ईबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो अगर वो पास मार्क देख रहे हैं ना, यानी उसको 35% यानी पास मार्क्स से लेकर 60 अंक तक आ रहा है या उससे ऊपर भी है लेकिन 75 से कम है हुआ कहाँ है लेस देन 75, तो इसके बीच में है पास मार्क्स से लेकर अगर 75 से कम में है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना। आज जैसे ये 75 से ऊपर जाइएगा तो आपको जनरल अगर आया हुआ है मार्क्स, यहाँ मार्क्स नहीं है परसेंट नहीं है, ये मार्कशीट स्कोर कार्ड में जो नंबर है 75 नंबर से है, ये सबको परसेंटेज में नहीं देखिएगा, ये अंक में है 55 अंक 60 अंक सब नंबर लाया है ना सो है देख लीजिए। तो उसी प्रकार ओबीसी का देख लीजिए कहाँ है जो पास मार्क था, ओबीसी का पास मार्क कहाँ है 30% नंबर यानी लगभग 37-38 नंबर ले लेगा, हुआ से लेकर अगर 55 नंबर है या कितना से कम 70 नंबर से कम है यानी 70 नंबर से कम है पास मार्क में है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, सोच लीजिए। और जैसे ये 70 से प्लस जाइएगा तो लड़का रहे चाहे लड़की रहे सरकारी कॉलेज मिलने, क्योंकि सरकारी कॉलेज देखिए कै गो है, मात्र कै गो है 66 गो सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार भर के जिला में जितना 38 जिला है ना सब मिलाकर, आ देखिए प्राइवेट कितना है तो ज़्यादा को तो प्राइवेट में ना होगा, तो कट ऑफ इसीलिए कम से कम इससे आगे जाइए। अब ओबीसी हो गया, अब एससी वाला के देखिए ये 50+ जो हम लिखे हैं तो इससे पहले कम से कम पास मार्क होना चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा है 50 भी आ गया तो ठीक है, अब 50 से है लेकिन 60 से कम है, कैसे कम है 60 से बगुआ रे कम गेलो यानी 60 से कम है आप और 50 आपको कितना से ज़्यादा है पास मार्क यानी 36-37 38 नंबर पर जो पास हुए आप उससे ज़्यादा 60 से कम है, तो देखिए एससी वाला से को प्राइवेट कॉलेज आ 60 से जैसे ये प्लस होइएगा तो कति मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। अब लास्ट में एसटी बच गया है तो एसटी देखिए कम से कम 55% से यदि 55 से ज़्यादा अंक है तो कहाँ आइएगा गवर्नमेंट कॉलेज, 60 हो गया तो और बढ़िया 70 हो गया तो और बढ़िया, लेकिन पास मार्क से लेकर यदि 45 से लेकर और 55 से कम नंबर है यानी एक लाइन में समझना चाहिए कि 55 से कम नंबर है तो प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, एससी वाला 60 से कम है तो प्राइवेट में जाएगा, ओबीसी वाला 70 से कम है तो प्राइवेट में जाएगा,
EBC और EWS वाला 75 से कम है तो भैया जाओ प्राइवेट कॉलेज में, मिलेगा सीट, मिलेगा एडमिशन होगा, वैल्यू में कोई अंतर न होता है डिग्री का, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। जनरल वाले 80 से कम है, सोच लीजिए 80 से कम गए तो कोई बात नहीं, लेकिन 75-70 से कम है तो प्राइवेट कॉलेज में जाना तय हो जाएगा। अब देखिए तो सरकारी कॉलेज वाला फिक्स कौन है, जो लड़का का 80-80 से ऊपर है जनरल में सरकारी कॉलेज, 75 से ऊपर EWS या EBSC, तो उसको भी सरकारी कॉलेज फिक्स रहता है, और OBC में 70 से प्लस नंबर आए तो उसको भी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैटेगरी बाजी लगभग है। इस बार इतना टफ पेपर हुआ है कि हो सकता है कि 5 नंबर कमो नंबर आयल है यहाँ से, इसमें 5 नंबर कम भी यदि आपको हो जा रहा है कैटेगरीज वाइज, फिर भी सरकारी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि इस बार का पेपर उस टाइप के था कि बहुत सारे लड़का जो है लड़की तो पास ने बता दिया कि 75% है। केवल हमको जैसे हम वीडियो बहुत सारा डाले हैं तो उसमें कमेंट आया है 1 नंबर 2 नंबर कम रहा है तो 2000 लड़का हमारा से पीछे चला जा रहा है, आ 1 नंबर 2 नंबर बढ़ रहा है तो 7-7, 8-8 हज़ार 5-5 हज़ार लड़का आगे पीछे हो जा रहा है। तो सोचिए 1-2 का कितना का अंतराल होता है 1 नंबर 2 नंबर के। तो उसी प्रकार से एवरेज है, अगर इससे 5 नंबर कम भी आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है सरकारी कॉलेज आप लोग को भी मिल जाए। तो जो भी पास है ये ना सोचिएगा कि यह वाला भरेगा फॉर्म, काउंसलिंग में ये लोग भाग लेगा, बिल्कुल नहीं। जो लड़का 35% से ये वाला कैटेगरी में और ऑल बच गया, बाकी सब 30% से ऊपर मार्क्स आए ले, सब लोग भाग ले सकते हैं। जिनको भी प्राइवेट या सरकारी मिलना होगा मिल जाएगा। काउंसलिंग में कॉलेज चुन लीजिएगा, पहले सरकारी वाला को ऊपर रखिएगा, उसके बाद जो है बचल में प्राइवेट वाला कॉलेज का भी नाम दे दीजिएगा, तब ना एडमिशन होगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले और अप टू डेट आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबा लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, तो अगला के पास भी पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या स्टेटस व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं शेयर करके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और किसी भी कंपटीशन का, किसी भी कंपटीशन का यदि मैथ और रीजनिंग तैयार करना है तो चैनल के अंदर भी जाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, धन्यवाद।